गुड इवनिंग पी के एन यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रदीप निषाद, आज मैं आपको एक नई टॉपिक लेके आया हूँ, बायोलॉजी का। कोशिका निर्माण अर्थात कोशिका निर्माण कैसे होता है, इसमें आपको आपकी जो टॉपिक है वो आपको पहला पढ़ाया जाएगा। माइटोसिस डिवीजन अर्थात सूत्री विभाजन, इसी को हम कायिक सूत्री विभाजन के नाम से भी जानते हैं। सूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिका में होता है, इसकी खोज सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में किए थे। यह पौधों की वृद्धि भी इसी विभाजन के द्वारा होता है, अर्थात पौधों में जो वृद्धि प्रदेश होता है वह मेरिस्टमेटिक सेल में पाई जाती है, जहाँ पर सूत्री विभाजन के द्वारा ही संभव है। यह विभाजन स्टेम, जो आपका स्टेम होता है उसके शीर्ष पर, टिप पर, और जो आपके रूट होते हैं उसके टिप पर आसानी से किया जा सकता है। इसमें निरंतर वृद्धि चलती रहती है। यह अगर एक बार प्रारंभ हो जाती है, जब तक इसकी क्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, विभाजन को इसके पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक यह चलता रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, विभाजन का प्रारंभ होने से पूर्व की अवस्था इंटरफेज कहलाता है, आप ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में कोशिका की वृद्धि होती है और वह अपने को विभाजन के लिए उपयुक्त बनाती है। इस अवस्था में केंद्रक का क्रोमैटिन पदार्थ केंद्रक द्रव्य में निलंबित रहता है अथवा डूबे रहते हैं, जो यह धागेनुमा कुंडलित सूत्र जैसी संरचना होती है, जिसे गुणसूत्र होते हैं। इसमें जो गुणसूत्र अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, एक ही उलझे रहते हैं धागे से के समान। आपको कहें कि सूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है। इसमें आप देखिएगा, नंबर एक कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक के दो भागों में विभाजित होना, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशा द्रव्य का विभाजन होना। इसके आगे और आप अपना अगला टॉपिक देखिए, इस फिगर को आप देखिए ज़रा, इसमें आपको सूत्री विभाजन का चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ पे इंटरफेज न्यूक्लियस इसमें आप देख रहे हैं, जो गुणसूत्र पतले धागे के समान होते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं जो एयरली प्रोफेज में यहाँ पे गुणसूत्र पेयर में हो गए हैं, मोटे हो गए कुछ। मिडिल प्रोफेज में इसमें कंडीशन आपका यहाँ पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मोटे हो जा रहे हैं। और इसके अलावा छोटे भी हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप आगे देखें, लेट प्रोफेज में यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब हो रही हैं, और न्यूक्लियोलस भी गायब हो रहा है। और इसमें क्या होती है, ये टू क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स जो होते हैं मोटे होते जा रहे हैं, और ये सभी क्या होते हैं, और अंत में क्या होते हैं, एक आपको मध्य में आ जाते हैं, क्वार्टर प्लेट का निर्माण करती हैं। और इसमें मेटाफेज में क्या होता है, इसमें आपका स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, जो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। और यह जो स्पिंडल फाइबर का जो निर्माण है, यह माइक्रोट्यूबुल ट्यूबुलस से निर्माण होता है, जो यह क्रोमोसोम्स को सपोर्टिंग का काम करता है। और इसके आगे आप देखिए, यहाँ पे आगे एर्ली एनाफेज में इसमें क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं इसमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं, ये ध्रुव की तरफ खींचने लगते हैं, जो पोल का निर्माण करते हैं, गुणसूत्र भी खींचने लगते हैं। इसमें रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने के तत्पश्चात लेट एनाफेज में यह एक ध्रुव की तरफ चले जाते हैं, और एर्ली टेलोफेज में यह सेल प्लेट का निर्माण कर लेते हैं और यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होने के पश्चात और ये क्या बन जाते हैं, दो पुत्री डॉटर सेल का निर्माण कर लेते हैं, लेट टेलोफेज में आपको दिखाया गया है। और पुनः इसमें केंद्रक वगैरह बनने लगते हैं। यही था इसमें समसूत्री विभाजन में। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।